हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधी जो Q2 का रिजल्ट जारी होना था पिछले दिनों, वो जारी कर दिया गया है। और इसने अपने Q2 का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो हम इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो Q2 का रिजल्ट जारी हुआ है उसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जो मर्जर होना था जी इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ, उसमें क्या कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है या नहीं। इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और इसके डेटा निकल के आए हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके जो Q2 का रिजल्ट आया है उसकी बात करें, तो ये जो Q2 का रिजल्ट आया है वो 6 तारीख को ये जारी हुआ था। Q2 के रिजल्ट में हम फिलहाल जो इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें सभी के सभी जो सब्सिडीज कंपनियां इसके संबंध में काम करती हैं उससे संबंधित डेटा यानी सारे शामिल होते हैं। और साथ ही साथ जो स्टैंड अलोन डेटा होता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इसलिए हम इसको जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख रही है जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है, सितंबर 2023 का सेगमेंट है और ये जून 2023 का सेगमेंट है। और ये सबसे लास्ट वाला जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो सितंबर 2022 के सेगमेंट को बता रहा है। और यहाँ पे जो सारे के सारे डेटा दिए गए हैं वो लाख में दिए गए हैं, अर्थात हम ये इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो फिलहाल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है वो 6,690 लाख के आसपास टोटल इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जो कि पिछले जून क्वार्टर में ये 5,499 अर्थात 5,500 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। जबकि पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था वो 5,700 के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो परफॉर्मेंस दिखाई रही है, साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। अब यहीं पर अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो इसका टोटल जो इनकम फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 7,475 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 में ये 5,940 लाख के आसपास था, और जून 2023 के क्वार्टर में ये 5,639 लाख के आसपास फिलहाल था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और ईयर ऑन ईयर पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसके टोटल इनकम में दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे फिलहाल जो इसका टोटल एक्सपेंस है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, न केवल क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस रहा है वो लगभग 6,500 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर जून 2023 में ये लगभग 5,462 लाख के आसपास रहा था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में ये 5,730 लाख के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसने जो टोटल इनकम में तो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है, लेकिन ये अपने खर्चे को कंट्रोल फिलहाल करती हुई नज़र नहीं आ रही है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसका जो खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसका खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव अभी हम आगे देखेंगे कि नेट प्रॉफिट पे भी देखने को मिलेगा। तो हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर फिलहाल टैक्स दिखाई दे रहा है वो 980 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर सितंबर 2023 में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 में 215 लाख के आसपास था, और पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 में ये 183 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसका जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरीके से 5 से 6 गुना, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी लगभग 4 से 5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसने गजब का ग्रोथ दिखाया है। अब हम अगर बात करें इसके ओरिजिनल प्रॉफिट, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं, तो उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है फिलहाल 752 लाख अर्थात लगभग 7,52,00,000 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 में ये 118 लाख के आसपास था, अर्थात 1 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसमें अच्छी खासी लगभग 5 से 6 गुना वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे की अगर हम बात करें, सितंबर 2022 में ये 215 लाख के आसपास था, और वो बढ़ के ये
लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें भी अच्छी खासी इसने कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये कंपनी का जो रिजल्ट रहा है वो सुपर डुपर रिजल्ट रहा है। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो पेनी शेयर है उस कंपनी का इसमें मर्जर होना है, उससे संबंधी जो अप्रूवल मिलना था वो मिल गया है। तो इसका जो भी अपडेट आएगा उसको तो हम बताएंगे ही, इसका भी इस कंपनी पर इफेक्ट आगे चल के पड़ने वाला है। और जिस हिसाब से ये कंपनी फिलहाल Q2 का रिजल्ट जारी की है उस हिसाब से आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिलहाल इसका अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर का 0.19 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 में 0.03 के आसपास था और पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में ये 0.06 के आसपास था। तो इस हिसाब से अर्निंग पर शेयर के आधार पर भी अगर हम देखें तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब हम अगर बात करें कि ये जो इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड शेयर है इसने जो Q2 का रिजल्ट ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो मार्केट को फिलहाल ये रिजल्ट पसंद आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एक चीज़ आपको एक चीज़ इसमें बता दें कि ये जो कंपनी है फिलहाल पेनी शेयर है लगभग 6.5 रुपये का, तो इसमें इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी सुपर डुपर रिजल्ट आने के बाद भी 5 स्टार रिजल्ट आने के बाद भी ये जो कंपनी का इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया जाना ये बता रहा है कि हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर की बढ़ती हुई नज़र आए। क्योंकि ये जो कंपनी है इसका ग्रोथ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में आप जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर है उसका मर्जर भी इस कंपनी में देखने वाले हैं और जो चीज़ें हैं उससे संबंधित जो डेवलपमेंट लगातार होते जा रहे हैं उसके बाद इस कंपनी में और तेज़ी भविष्य में आने की संभावना दिखाई दे रही है। हालाँकि आज ये कंपनी जो है लगभग 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए 6.30 रुपये पे ये फिलहाल ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 2 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और सारे के सारे फिलहाल डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। और जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है Q2 का वो तो ज़बरदस्त पेश किया ही है, साथ ही साथ ये जो कंपनी है भविष्य का हो सकता है कि मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के भी अपने शेयर होल्डरों को दे दे। और एक चीज़ इसमें बता दूँ कि इस कंपनी से संबंधित अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप जो है इसके इंडस्किन में जाके वहाँ से इसका फंडामेंटल एनालिसिस का लिंक ले सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगर बात करें इसके कुछ अपडेट की जिसके बारे में हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन जब इसका रिजल्ट जारी हुआ है उससे संबंधित जो कुछ अपडेट भी दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि 20 सितंबर 2023 को BSE लिमिटेड में सूचीबद्ध सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली माइक्रो कंपनियां जिसका नाम जो है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड और इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड शेयर है उसको निदेशक मंडल ने संभावित विलय पर चर्चा करने के लिए एक मुलाकात की थी और बोर्ड ने इसके विलय के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। उनका मानना है कि इससे एक बहुत बड़ी मजबूत इकाई बनेगी और विलय संबंधी जो कंपनियों को संसाधन विशेषज्ञता एकत्रित करने में और ग्राहक के साथ साथ उत्पादकों और सेवाओं को पेश करने में भी अच्छा खासा मदद मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो आगे ये बता रहे हैं कि ये जो बोर्ड ने इन कंपनियों के अधिकारियों को एक 4 आकार फर्म प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी LLP सहित सलाहकारों के परामर्श से विलय का मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत भी किया और इसके लिए बोर्ड ने 2023 में टेंगरा एसेंशियल लिमिटेड द्वारा जारी किए गए डिबेंचर के मोशन को भी मंजूरी दे दी। और इसमें ये बताया गया कि डिबेंचर को 1.50 करोड़ रुपये के एक मुश्त भुगतान के लिए भुनाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बता रहे हैं कि इसके अलावा कंपनी को जो Q2 का फाइनेंशियल ईयर 2024 का आया है उसमें 120 मिलियन रुपए का ऑर्डर भी इसको फिलहाल अभी हाल ही में मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है ये हिमालयन बायो जो ऑर्गेनिक फूड्स है सर्वेसर ओवरसीज लिमिटेड है और एक स्थापित निर्यातक आयुष इंटरनेशनल को प्रीमियम चावल और काजू आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध व्यापारी घरानों से आज फिलहाल जो ऑर्डर मिला है। आगे इसमें ये जो इंटीग्रा एसेंशिया है उसने अपने कुछ प्रोग्राम को भी यानी प्लान को भी बताया है। उसमें ये बता रहे हैं कि उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाकर विकास को बढ़ावा देने की एक योजना भी बनाई गई है जो कि अधिग्रहण विलय के माध्यम से अपने कोर को मजबूत करने के अवसर की भी तलाश करेगी और साथ ही साथ ये बातचीत के माध्यम से विभिन्न चरणों में आगे बढ़ेगी। इंटीग्रा जो एसेंशियल लिमिटेड शेयर है वो जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन कृषि उत्पाद कपड़े कपड़ा प्रधान बुनियादी ढांचे के अलावा अदर जो भी सामग्री हैं उनके माध्यम से ये काम करती है और इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल 295
करोड़ रुपए का है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जिस हिसाब से जो है अपने आप को विस्तार कर रही है, और जैसे ही इसमें जी जी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर का भी मर्जर हो जाएगा, ये कंपनी और अच्छा खासा मजबूत फंडामेंटल के साथ उभर कर सामने आने वाली है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।